हेलो फ्रेंड्स, आप लोग अपने घरों में बड़े आराम विश्राम की स्थिति में हैं। तो आज आप लोगों को भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही गहरा एक विषय है, प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना, उसके बारे में आप लोगों को बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो कुछ चीजों में आपको, आप सतही तौर पे उसको देखते हैं, जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना का जैसे ही नाम आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि इसका एक तत्व जो है, इसमें अखंडता शब्द भी है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, समाजवादी शब्द भी है। लेकिन आप ये देखिए कि ये किस प्रकार से शुरुआत में से अब तक जो है ये क्यों लागू की गई, इसका उद्देश्य क्या था, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग प्रकाश डालेंगे। आप देखिए, सबसे पहले प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि उसमें हमारा क्या उद्देश्य निहित है, कि हमें उससे क्या निकालना है। तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना जो है वो भारत के संविधान सभा द्वारा, श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से शुरू की गई थी। तो जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था उसमें सभी बुद्धिजीवी ने इकट्ठा होकर संविधान सभा में सबसे पहले एक विचार किया था कि भारत के संविधान सभा के जो है वो मूल तत्व क्या है, इसके बेस में क्या है, फंडामेंटल क्या है इसकी, हमारे संविधान सभा में प्रस्तावना के मूल तत्व क्या है। आपने इस चीज को कभी जो है इतनी गहराई से आपने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन अभी आप इसको देखिए थोड़ा सा गहरे तौर पे कि भारत के संविधान में सबसे पहले मूल तत्व में आता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत, संविधान सभा को अधिकार दिया गया किसके द्वारा दिया गया और वो अधिकार का स्रोत क्या है। आप जानते हैं कि संविधान सभा को का चुनाव हुआ था बाकायदा और उसके सदस्य चुने गए थे, तो वो स्रोत जो है उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अपना स्रोत जो है, अधिकार जो है किसने दिया था, भारत की जनता ने, मतलब भारतीय पब्लिक जो है, भारतीय जनता ने क्या दिया, संविधान को एक संवैधानिक अधिकार का स्रोत दिया। ये सबसे पहला बोला जाता है मूल तत्व, प्रस्तावना का मूल तत्व पहला क्या है कि संविधान के अधिकार का स्रोत। तो आपसे पूछेंगे संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो आप बोलेंगे भारतीय जनता, क्योंकि मूल में क्या है, जनता है, जनता के लिए ही करना है, क्या करना है, ये हमारा जो है आप मूल तत्वों में, दूसरे मूल तत्वों में देख सकते हैं कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, मतलब देश विदेश, विदेशों में जब भारत को जाना जाएगा तो भारत को किस प्रकार का राष्ट्र माना जाएगा, तो वो भारत की प्रकृति है मूल तत्वों में। दूसरा स्थान है इसका, पहला स्थान है संविधान के अधिकार का स्रोत, वो है भारतीय जनता। दूसरा भारत की प्रकृति कि भारत कैसा होगा, भारत कैसा राष्ट्र होगा, आपने ये सुना होगा कि भारत एक सोवरन स्टेट होगा, संप्रभु होगा, उसके अपने सारे अधिकार भारतीय भारतीयता में ही निहित होंगे, जो भी हम लोग पद चुनेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। तो संप्रभु, संप्रभु का मतलब है भारत अपना, अपने किसी भी कदम के लिए किसी से उसको पूछने की जरूरत नहीं है, मतलब वो संप्रभु है, आप सारी शक्तियां उसी में निहित हैं। तो भारत एक सॉवरेन स्टेट होगा। समाजवादी, समाजवादी जैसे समाजवादी आप अभी देख ही रहे हैं, देखिए सरकार कितना काम कर रही है कोरोना से आम पब्लिक को बचाने के लिए, अपना सारा फाइनेंशियल जो है सिस्टम जो है वो बंद कर दिया है और जनता के लिए सरकार आगे आ रही है, ये क्या दिखाता है, समाजवादी यानी समाज के लिए काम करेगी, जो सरकार हम चुनेंगे वो किसके लिए काम करेगी, समाज के लिए। तो समाजवादिता आप देखते हैं आपकी गलियों को पक्का करने से लेके पानी की व्यवस्था तक, सफाई व्यवस्था तक, वो सारी जो है गवर्नमेंट एजेंसियां कर रही हैं, आपकी बैंकिंग की सुविधा दे रही हैं, तो ये समाजवादी विचार है। धर्मनिरपेक्ष, भारत में हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भारत हिंदू राष्ट्र है या भारत जो है किसी भी पंथ का, यहां जो है पंथ के प्रति निरपेक्षता है। तो भारत एक सेक्युलर स्टेट है, किसके अनुसार, नेचर ऑफ इंडिया के अनुसार, भारत की प्रकृति के अनुसार। लोकतांत्रिक,
लोकतंत्र तो आप देख ही रहे हैं कि भारत में हम लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, और लोकतंत्र इसकी जो है सापेक्ष आप लोग प्रतिमूर्ति हैं, क्योंकि हमने अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं ये दोबारा चुन के आए हैं, ये लोकतांत्रिक ताकत दिखाती है जनता की, ये शक्ति उनमें निहित है। गणतांत्रिक, गणतंत्र, रिपब्लिक, भारत 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारी न्याय प्रणाली, हमारी कार्यकारी शक्तियां तो किसमें नियत है, उनका उद्देश्य, मूल उद्देश्य तो जनता की सेवा करना ही है, लेकिन गणराज्य का, यहां गणतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये है कि संप्रभु और गणतंत्र शब्द थोड़े से मिलते हैं, मतलब हमारे यहाँ सारी शक्ति हमारे देश में नहीं तो है ही है, साथ में जो है गणतंत्र का मतलब क्या है कि हमारा एक संविधान है, उसी संविधान के अनुसार जो है हम लोग सारी चीजों के आर्टिकल्स हैं, कार्यकारी शक्तियां आर्टिकल्स के अनुसार चलती है, तो उसके बारे में हम लोग आगे परिचर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोग थर्ड पार्ट में पहुंचते हैं, संविधान के उद्देश्य। भारत का संविधान बनाया गया, उसके उद्देश्य क्या थे, पर्पज क्या था? हमारा उद्देश्य ये था कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता, उसको न्याय मिले, जस्टिस मिले, उसको गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर आदमी को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था कौन करेगा? इसकी व्यवस्था भारत का संविधान करेगा, वही हम लोग गणतांत्रिक तरीकों में उसको जानते हैं। न्याय, सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले। आप यहां कोई बिजनेस करना चाहते हैं हरियाणा में, या आप बिजनेस करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में, आप चाहे बिहार के हों या आप मणिपुर के हों, आप अपना स्वतंत्र रूप से बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये व्यवस्था हमारी जो है संविधान के उद्देश्यों में थी कि न्याय मिलना चाहिए सबको, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समता, समता आप देख ही पा रहे हैं कि इक्वलिटी सबसे बड़ी बात है, मतलब यहां कोई मुख्यमंत्री का बेटा है या एक आम जन है, वो सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ एक सिस्टम से ही ले सकता है। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम भरते हैं, एग्जाम देते हैं, एसएससी का, एचएसएससी का, या कोई भी एग्जाम देते हैं, तो हर कोई आदमी, चाहे कोई भी हो भारत में, वो हर उसी सिस्टम से जाएगा, एग्जाम क्लियर करेगा, या इंटरव्यू है तो इंटरव्यू फेस करेगा, एक उसी का एक वही तरीका है। यानी समता में आप ये देखिए, भारत में स्त्री पुरुष एक हैं, अर्थात उनसे भेदभाव नहीं हो सकता, मतलब लिंग के आधार पे आप लोग भेदभाव, या कोई भी हमारा जो राष्ट्र है भेदभाव नहीं करता है, यही क्या दिखाता है, समता। बंधुत्व, यहां फ्रेटरनिटी क्या है, बंधुत्व क्या है, कि हमें आपस में भाईचारे से रहना है, हम आपस में भाई भाई हैं, अर्थात भारत राष्ट्र जो है एक होगा तभी तो बड़े से बड़े खतरे से वो लड़ जाएगा, जैसे अब आज हम लोग कोरोना से लड़ रहे हैं इकट्ठे होके, और ये फ्रेटरनिटी दिखाता है भारत में, भारत के विकास के लिए सब कुछ चल रहा है। तो हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में, संविधान में प्रस्तावना के मूल तत्व देख रहे थे, बेसिक फंडामेंटल क्या थे उसके। तो पहला हमने देखा संविधान के अधिकार का स्रोत, वो भारतीय जनता है, क्योंकि भारतीय जनता ने संविधान सभा को चुना था। दूसरा, भारत की प्रकृति कैसी है, हमने देखा कि संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था है हमारी। तीसरा जो है, हमारे संविधान के उद्देश्य क्या है, कि हर एक प्राणी को, हर एक जनता, जनता में हर किसी तत्व को जो है न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता और बंधुत्व, जिससे भारत एक रहे, अखंड राष्ट्र रहे। और फोर्थ है, संविधान लागू होने की तिथि। कई बार जो है ये छोटे मोटे एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली बदल के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, अर्थात उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया। ये बात ध्यान में रखिए कि इसको अंगीकृत किया गया, अपना लिया गया कि फाइनल यही है। लेकिन भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, उस दिन हम लोग गणतांत्रिक राष्ट्र बने। और ये सभी जो है प्रस्तावना के सारे विषय जो है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। बाकी इसको डिफाइन अगले लेक्चर में करेंगे कि हमारे जो मूल तत्व हैं उनकी शाब्दिक रूप से अलग अलग व्याख्या क्या है। तब तक आप इसको मनन कीजिए, और ये मूल तत्वों से थोड़ा सा अलग है, ये एक बेसिक आपको प्रिंसिपल्स का बताया गया है। अगले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल्स को पूरा कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।